लोकसभा चुनावों के चलते छठे चरण में आज अनंतनाग रजौरी सीट पर 3 बजे तक हुआ 40% मतदान। पिछली बार के मुकाबले में इस बार बड़े पैमाने पर हुआ वोटिंग परसेंटेज में इजाफा। अनंतनाग रजौरी सीट पर वोटिंग के लिए जम्मू में रह रहे विस्थापित के लिए बनाए गए स्पेशल पोलिंग बूथ। इस दौरान कश्मीरी विस्थापित लोगों ने इन पोलिंग बूथ पर जाकर किया अपने मत अधिकार का इस्तेमाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपने एक बयान में कहा कि पीओके भारत का अंग है और इसे किसी भी कीमत पर वापस लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश को पाकिस्तान के एटम बम दिखाकर डराने की कोशिश करती है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अन्य विभाग के साथ मिलकर आज जम्मू में विभिन्न दुकानों पर बाल मजदूरी के खिलाफ की गई छापेमारी। इस दौरान दुकानों पर काम कर रहे कुछ नाबालिग बच्चों को किया गया रेस्क्यू। बताने चले कि विभाग बीच बीच में इस प्रकार की ड्राइव चलाकर बाल मजदूरी को रोकने के प्रयास में लगा रहता है। जम्मू में बीती रात हल्की बूंदाबांदी के बाद भी गर्मी से नहीं मिली लोगों को राहत। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक गर्म व शुष्क बना रहेगा मौसम। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह। पटनाव हाफ मैराथन में दौड़ेंगे देश भर के 600 धावक। गंडोला में मिलेगी फ्री राइड। जम्मू संभाग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनीटॉप में रविवार को पटनीटॉप मैराथन 4.0 का आयोजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ देश भर से 600 धावक इस मैराथन में दौड़ेंगे। इसके लिए पीटीए व स्काईव्यू की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। अब लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। इन राज्यों में होगी भारी बारिश। एक तरफ उत्तर भारतीय राज्यों में झुलसा देने वाली प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की होने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विभाग ने शनिवार दोपहर बारिश को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की है। IMD ने 26-27 मई यानी कि रविवार सोमवार को गंगेय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने आज लोकसभा चुनाव के छठे चरण में डाला वोट। दोनों ने वोट देने के बाद पोलिंग बूथ के बाहर खींची सेल्फी।